भारत में अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन के ट्रैक और सुरंगों की डिजाइनिंग पर काम तेजी से चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से जानकारी दी गई है कि परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अचल खरे ने बताया कि दिल्ली, मुंबई और जापान के इंजीनियरों ने 80% पुल और सुरंगों के डिजाइन का काम पूरा कर लिया है, यानी कि बुलेट ट्रेन का सपना हकीकत में जल्द ही बदलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने पिछले साल इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, जिसे 2022 तक पूरा करने की उम्मीद है। अहमदाबाद में भारत की पहली बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखने के बाद भारत में बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक और स्टेशन बनाने की शुरुआत कर दी गई थी। ये हाई स्पीड ट्रेन दो शहरों के बीच 500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर मात्र 3 घंटे से कम समय में तय कर लेगी, जिसके लिए वर्तमान में लगभग 8 घंटे लगते हैं। बुलेट ट्रेन की कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए यानी कि 81% कर्ज महज 0.1% सालाना ब्याज के हिसाब से जापान भारत को देगा। जापान के इस कर्ज को भारत 50 साल में चुकाएगा और कर्ज की किश्त चुकाने की शुरुआत लगभग 15 साल बाद होगी, यानी 5 साल बाद भारत का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां बुलेट ट्रेन चलती है। शुरुआत में अहमदाबाद मुंबई रूट पर 35 बुलेट ट्रेनें चलेंगी, जिसके लिए 24 बुलेट ट्रेनें जापान से मंगवाई जाएंगी, जबकि बाकी की 11 ट्रेनें भारत में तैयार होंगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन में 10 डिब्बे होंगे। ये ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी। अहमदाबाद मुंबई रूट पर हर रोज 36,000 यात्री बुलेट ट्रेन में सफर कर सकेंगे। देश को 2022 यानी लगभग 5 साल से कम समय में बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन से रोजगार के 20,000 अवसर पैदा हुए हैं। 4,000 स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए वडोदरा में हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये। भारत में पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर उतरने के बाद 6 और लिंक पर बुलेट ट्रेन चलाने की शुरुआत की जाएगी, जिनमें दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चंडीगढ़, मुंबई चेन्नई, मुंबई नागपुर और दिल्ली नागपुर शामिल हैं। नेहा गुप्ता के साथ एएसएन लाइव की रिपोर्ट।